बागी वन की सफलता के बाद 2018 में आई बागी टू तो आपने देखी ही होगी, वहीं अब हम आपको सिवान एनडीए के बागी नंबर टू के बारे में बताएंगे। सिवान एनडीए में बागियों की भरमार देखने को मिल रही है। सिवान सदर से वर्तमान विधायक व्यासदेव प्रसाद अपने पार्टी से बागी हो गए हैं। धोखा हुआ है आप, मैं चुनाव निर्दलीय लड़ रहा हूँ, आप लोग भरपूर सहयोग करके हमको फिर से जीता करके पटना विधानसभा में भेजे। व्यासदेव प्रसाद अपने पार्टी से बागी हो गए हैं क्योंकि इनका टिकट पार्टी ने काट दिया है। इनकी जगह पर सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को पार्टी ने टिकट थमा दिया है, जिसके बाद बुधवार को व्यासदेव प्रसाद ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और पार्टी से बगावत करते हुए सिवान सदर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं और ओम प्रकाश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरा टिकट भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय के इशारे पर काट दिया गया है और यादव होने के नाते टिकट ओम प्रकाश यादव को दे दिया गया है। भूपेंद्र यादव यहाँ के प्रभारी हैं और नित्यानंद राय हैं और लोग बहुत हैं, ये सब लोगों ने मिल करके हमारे टिकट को कटवा दिया और उन लोगों को, किसी यादव को यहाँ से लड़ाना था इसलिए ओम प्रकाश यादव को लड़ा दिया गया है। बागे हुए विधायक ने ओम प्रकाश यादव पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें इस बार 2000 वोट भी नहीं मिलेगा और उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। पार्टी कार्यकर्ता उनके टिकट कटने से काफी आक्रोशित हैं और वे 13 अक्टूबर को निर्दलीय नामांकन करेंगे। उनके समर्थक गाड़ियों के काफिले से पूरे शहर को जाम कर देंगे, भले ही उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो जाए, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। मैंने उन लोगों के सामने प्रस्ताव रखा, लोगों ने निर्णय लिया कि आपको चुनाव लड़ना है, हर हाल में चुनाव लड़ना है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और 13 को हमारा नॉमिनेशन है। जैसे हम विधायक होते थे टाउन जाम होगा, चाहे हम पर आचार संहिता उल्लंघन का केस हो चाहे जो भी हो। दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता और पुराने कार्यकर्ता पार्टी के साथ देखे जा रहे हैं, वे पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव का समर्थन करते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जदयू नेता और सांसद पति अजय सिंह ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि सिवान में ओम प्रकाश हराओ अभियान उनके द्वारा चलाया जाएगा, वे किसी भी कीमत पर उन्हें विधायक बनने नहीं देंगे। हालांकि एनडीए के सभी बागी हिट साबित होंगे या फ्लॉप वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये हमारा वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।